नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। आज बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम की। तो ये एग्जाम आईटीआई का जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है उसके लिए है, और इसके लिए आपने अगर आईटी से या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस है या एमएससी कंप्यूटर साइंस है, या फिर आपका पीजीडीसीए है और आपने सीपीसीटी क्वालिफाई किया है। तो ये सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग ऑफिसर आईटीआई। और बात करेंगे, इसका सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है, लगभग 45 के अप्रोक्स। तो बहुत सारे लोग इस जानकारी के अभाव में इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं कि वो एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। तो जरूर इस पर ध्यान दें, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और जरूर भरें। और बहुत अच्छा पेपर आता है आपका, 25 नंबर का जीके रहता है इसमें, जनरल नॉलेज, और बाकी 75 क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक और जानकारी, हम सीपीसीटी पेपर सीरीज अपलोड कर चुके हैं और आपका पटवारी पेपर सीरीज रनिंग में है, और अपकमिंग जो सीरीज है वो कांस्टेबल है, और अभी ये बीच में आपको कुछ कुछ ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर भी मिलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीलिया यानी जॉन्डिस किसके रोग के कारण होता है या किसके लक्षण है? तो ये जिगर, लीवर से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे? तो ये है आपका दतिया, यहीं पर पीताम्बरा पीठ भी है दतिया, जिसके लिए दतिया फेमस है। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका इंदौर का, जो हमारा इंदौर है मध्य प्रदेश का, ये 4 बार स्वच्छता के लिए अवार्ड ले चुका है और बहुत ही ज्यादा स्वच्छ है। यहाँ पर स्वच्छ इसलिए है कि यहाँ के लोग भी कोऑपरेट करते हैं, और जितने भी शॉपकीपर हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं, और वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी एक्टिव हैं। तो सब लोग मिलकर जब काम करते हैं तब उसको बहुत बेहतर और सुंदर बनाया जा सकता है। तो जरूर इस बात पर ध्यान दें कि केवल गवर्नमेंट चाहे तो साफ सफाई या फिर अन्य कोई भी क्रियान्वयन करने में सक्षम तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं, जब तक कि वहां के लोग, वहां का प्रशासन, वहां की गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं वो, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मिलकर काम करना होता है, तब जाकर आप किसी भी कार्य को सफल बना सकते हो। तो ठीक है, स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये है वाराणसी में, वाराणसी। यहां से हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो सांसद हैं, और यहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, 2 बार से यहां से चुनाव लड़ चुके हैं वो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं दिवाली के अवसर, हमारे गांव में, आसपास के क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं, देवारी कब गाई जाती है? दिवाली के समय पर, कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी। दूसरी आत्मकथा का नाम क्या था? तो उसका नाम था राग माला। इनको भारत रत्न ही मिल चुका है 2012 में, और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। अनुष्का शंकर इनकी बेटी है, वो भी बहुत अच्छे सितारवादक हैं। तो अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की ही सह स्थापना एवं संपादन किया है? तो ये हमारे महान व्यक्ति हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये बहुत फेमस व्यक्ति थे, इन्हें 1891 के समय में, 91-92 के समय पर गणेश उत्सव मनाना शुरू किया था, जिससे लोग संगठित हों, लोग एकजुट हों और एकता का एक सूत्र में बंधे। तो आज भी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, लाल बाग में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इनके लिए सबसे ज्यादा मुख्य व्यक्ति जो थे वो बाल गंगाधर तिलक भी थे, और कई बार इनका परिचय
अन्य महान लोगों से भी हुआ है। विवेकानंद भी इनसे मिले थे एक बार और बहुत प्रभावित हुए थे, एक दूसरे से दोनों ही प्रभावित हुए थे। ट्रेन में मिले थे और फिर वो अपने घर भी ले गए थे और घर पर उनको रोका भी था। तो इतना प्रभाव विवेकानंद जी का इन पर पड़ा और इनका उन पर, दोनों ही महापुरुष थे और हैं। हम महापुरुष थे नहीं, हैं कह सकते हैं। आज भी हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ हमें ऐसा पाठ पढ़ाता है, ऐसी मोटिवेशन प्रेरणा देता है जिससे हम अपने लिए और समाज के लिए बहुत बेहतर कोई कार्य कर सकें। अगला प्रश्न है आपका, 1919 में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी? तो गुरुदेव के नाम से फेमस है रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर। 1861 में इनका जन्म हुआ था, 7 मई 1861। और एशिया के सबसे पहले साहित्य में जिसको नोबल प्राइज मिला था तो ये यही है। इनको गीतांजलि, इनके द्वारा एक कविता संग्रह लिखा गया था, 1912-11 में वो प्रकाशित हुआ था। 1913 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया गया और उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबल पुरस्कार दिया गया था। तो पहले भारतीय हैं जिनको नोबल प्राइज मिला था, एशिया के भी पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिनको नोबल प्राइज दिया गया था। एशिया जिसमें 48 कंट्रीज आती हैं आज के समय में, तो इतने बड़े भूभाग पर हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर ही बहुत फेमस व्यक्ति थे। और एक ये ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके नाम पर दो देशों के जो गीत हैं, राष्ट्रगान हैं, वो समर्पित हैं, जो एक जनगणमन और अमार सोमार, अमार सोनार बांग्ला। तो ये दोनों इन्हीं के द्वारा गाए गए हैं और लिखे गए हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं, और इसका आंसर था ये जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने अपनी जो इनको उपाधि दी गई थी वो लौटा दी थी इन्होंने। क्या था उस उपाधि का नाम? इसमें टैगोर रेनॉल्ड्स नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये है आपका तुलसी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कैनिंग थे। कब हुआ था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? 1857 के टाइम की बात हो रही। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दतिया है। दतिया का दूसरा प्रश्न हम आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। तो ये थे पंडित कुंजीलाल दुबे जी। अगला प्रश्न है आपका, साइनस क्या है? तो साइनस हमारे नाक के पास में होता है, नाक के अंदर करोटी तथा नसा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका जो होती है वो होती है साइनस। द कैविटी कनेक्टिंग द स्कल टू द नॉस्ट्रिल, वो होती है साइनस। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो भली भांति जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भारत में सोयाबीन होता है तो वो मध्य प्रदेश में ही होता है, और मध्य प्रदेश में इंदौर में बहुत बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र भी स्थापित किया गया है, और सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बिहार, और मधुबनी चित्रकला में जो नेचुरल कलर है उनका उपयोग किया जाता है। नेचुरल कलर में जैसे हमारे चावल हैं तो चावल को पीस कर उससे भी कलर बनाया जाता है, हल्दी है तो नेचुरल जो चीजें हैं उनको उसमें केमिकल नहीं मिलाते हैं कलर के लिए, और नेचुरल बनाते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा फेमस, पूरे भारत में मधुबनी चित्रकला फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसको ध्यान रखें, बहुत सारे एग्जाम्स में मधुबनी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो ये है माजुली। माजुली द्वीप एक हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर ये द्वीप का निर्माण हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल नहीं, अगले वीडियो में आपको और इसके आगे का पार्ट मिलेगा। धन्यवाद।